कैनेडा का एक होर चटका भारत नाल तनाव विचाले कैनेडा ने दिता विद्यार्थियों नूं नवां फरमान विद्यार्थियों लई बंद कीता वीजा। पंजाब च वधेगी ठंड पवेगा मीह देश भर च मौसम का बदलिया हाल घट्टो घट तापमान 18 डिग्री सैलसीयस रहने की संभावना। PRTC बसा च इकट्ठे नहीं बैठणगे ड्राइवर ते कंडक्टर नवे हुक्म हुए जारी ड्राइवर ते कंडक्टरों वालों विरोध शुरू। की पाकिस्तान च मौजूद करतारपुर साहब जाने लई लैणा पैंदा वीजा दसांगे किवें करना पैंदा रजिस्टर। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत नाल जारी तनाव विचाले कैनेडा ने विदेशी विद्यार्थियों नूं एक होर वड्डा झटका दिता है। कैनेडा ने अपने प्रसिद्ध स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम भाव SDS प्रोग्राम नूं शुक्रवार तो प्रभावी तौर पर बंद कर दिता है, जिस नाल फास्ट ट्रैक स्टडी परमिट प्रक्रिया हुण खत्म हो गई है। इस नाल अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं जल्दी वीजा लैण दे विच मदद मिलदी सी। इमीग्रेशन विभाग वालों जारी जानकारी मुताबिक हुण 10 साल की म्याद वाले मल्टीपल एंट्री वीजा चुनवे लोगों नूं ही मिलणगे अते इह फैसला करन दा हक मौके ते मौजूद इमीग्रेशन अफसरां नूं ही होवेगा। इमीग्रेशन अते सिटीजनशिप विभाग दे वल्लों विजिटर वीजा दी वी म्याद उत्ते खास जोर दिता गया। ज्यादातर वीजे सिंगल एंट्री वाले होण दे मद्देनजर इन्हां दी म्याद 6 महीने तो 1 साल तक होवेगी। इस तो पहला कैनेडा ने भारतीय नागरिकां लई वीजा दिशा निर्देश दे विच सख्त बदलाव किया। हुण भारत नूं 10 साल का विजिटर वीजा नहीं मिलेगा। इसकी बजाय भारतीय नागरिकों के लिए विजिटर वीजे की म्याद घटा के 1 महीने कर दी गई है। इस तो अलावा विजिटर वीजा नूं सीधे तौर पर वर्क वीजे च तब्दील करन दी व्यवस्था की गई। कैनेडा सरकार दे वल्लों एक कदम वीजा प्रणाली दे विच सख्त प्रबंधां नूं लागू करन दे उद्देश दे नाल चुकिया गया, जिस कारण भारतीय नागरिकों के लिए लंबे समय के वीजे की सहूलत खत्म हो जाएगी। ये तब्दीली उन्हां भारतीयों लई खास तौर उत्ते मुश्किल साबित हो सकती है जो परिवार अते दोस्तां नूं मिलण या फिर होर काम दे लई लंबे समय लई कैनेडा दे विच रहना चाहुंदे ने। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ठंड घट समय की लई रहेगी। दिवाली अते छठ वर्गे वड्डे त्यौहार बीत चुके हैं, पर ज्यादातर थावां ते अजे भी लोगों नूं गर्म कपड़े उतारन की लोड नहीं है। मौसम विभाग कह रहा है कि दिल्ली अते इस दे खास आस पास के इलाकों के ठंड बदन की संभावना है अते कुछ दिन होर इंतजार करना होगा, पर पहाड़ी इलाकों के ठंड जरूर वधी है। दिल्ली के दूजे पासे प्रदूषण वधन के करके चारे पासे धुआं छाया होया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के राजधानी नूं धुएं तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मौसम विभाग मुताबिक दिल्ली के सवेरे भी धुंद की चादर देखने को मिलेगी। पंजाब के घट्टो घट तापमान 18 डिग्री सैलसीयस तक जाने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब दे विच PRTC ने बस ड्राइवरां दे लई हुक्म जारी कीते ने। हुण किसी भी PRTC बस दे विच सफर करदे समय ड्राइवर ते कंडक्टर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। जो कंडक्टर ने बैठना है तो बस की पिछली सीट ते बैठणगे। इस बयान तो बाद PRTC दे ड्राइवर ते कंडक्टर लुधियाना बस स्टैंड ते जोरदार रोस प्रदर्शन करदे ने। कंडक्टर दे वल्लों ये गल कही जाती है कि बस दे विच कंडक्टर दे बैठण दे लई पहला ही कोई सीट नहीं हुंदी सी। बस दे विच 100 तों वध यात्री पहला ही बैठे सन। रात नूं जदों यात्रियों की गिणती घट हुंदी है तां बैठण लई सीट जरूर मिल जाती है। दूजे कंडक्टर ने दस्सिया कि जदों बस ने लंघना हुंदा है तां कई बार ड्राइवर नूं बस दे एक पासे तों कुछ दिखाई ही नहीं दिंदा। बस उदों ही लंघ सकेगी जदों कंडक्टर हाथ दे के पिछले गड्डी नूं रोकदा है। कानून दे मुताबिक 52 तों वध यात्री नहीं बिठाए जा सकते बस दे विच, पर फिर भी 100 तों वध सवारियां PRTC दी बसां दे विच आम देखण नूं मिलदियां ने। कई बार बस हादसे दा शिकार होण दा भी खतरा रहिंदा है। कंडक्टर दा अगे होणा बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार बस दे विच सवारियां लटकण लग जांदियां ने। गड्डी उदों ही चलदी है जदों कंडक्टर अते ड्राइवर विचाले तालमेल होवे, और अजिहे दे विच जेकर कंडक्टर नूं ही बस दे विच बैठण दी थां नहीं मिलेगी या फिर जिहड़ी सीट उस दे वास्ते उस समय अवेलेबल है तां तुसीं सोचो उहनां दे लई वी किन्नी मुश्किल होवेगी। खैर इह मसला हले काफ़ी अगे दिनां तक चलण वाला है क्योंकि इहनां नवें हुक्म दे जारी होण तों बाद ड्राइवर और कंडक्टर्स दे वल्लों पंजाब भर के विरोध होना शुरू हो गया। पाकिस्तान दे विच मौजूद करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए वीजे की लोड़ है। आओ जानते हैं इस बारे भारत अते पाकिस्तान विचाले की समझौता होया और तुसी किस तरीके दे नाल रजिस्टर कर सकते हो।
पाकिस्तान दे विच सिख धर्म के दो मुख स्थान ने, एक ननकाणा साहब और दूजा करतारपुर साहब। ननकाणा साहब लाहौर तो लगभग 75 किलोमीटर, करतारपुर साहब भी लाहौर तो 117 किलोमीटर की दूरी से स्थित है। भारत तो पाकिस्तान जाने वाले सारे श्रद्धालु पहला करतारपुर साहब जाते हैं, फिर ननकाणा साहब दर्शन के लिए जरूर चाहते हैं। थानू दस दिए कि पाकिस्तान दे विच करतारपुर साहब के दर्शन के लिए वीजे की लोड़ है या फिर नहीं। करतारपुर साहब पाकिस्तान के लाहौर तो 117 किलोमीटर दूर नारोवाल जिले दे विच स्थित है। जेकर असी भारतीय सरहद तो इसकी दूरी से नज़र मारीे तो यह भारतीय सरहद तो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी से स्थित है। करतारपुर कोरीडोर बनन तो पहला इत्थे पहुंचने दे लई लंबी दूरी तय करनी पैंदी सी अते वीजा लेना पैंदा सी। इस वीजा प्रणाली दे विच लोकां नूं काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पैंदा सी। करतारपुर कोरीडोर बनन तो बाद इत्थे जाण दे लई वीजे की लोड़ नहीं है। भारत अते पाकिस्तान की सरकारां विचाले एक समझौता होया जिस नूं हुण 5 साल लई वधा दिता गया। इस साल कोरीडोर समझौते ते पहली बार 24 अक्टूबर 2019 नूं हस्ताक्षर किए गए। इस राही इत्थे जाण वाले श्रद्धालु बिना किसी रुकावट तो अपनी यात्रा करते ने। करतारपुर कोरीडोर का वीजा फ्री है, पर इत्थे जाण दे लई श्रद्धालुआं ते पाकिस्तान दे वल्लों भी अमरीकी डालर की सर्विस फीस लगाई जाती है। इस नूं हटाउण दे लई कई बार बेनती की गई है, पर पाकिस्तान वल्लों इस नूं हटाया नहीं गया। हालांकि इस दे लई सबूत वजों पासपोर्ट लैके जाना बेहद जरूरी है। इमरान खान ने इस नूं हटाउण दा वादा जरूर कीता सी, पर यह हजे तक जारी नहीं होया। हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि रजिस्ट्रेशन किवें करनी है। जेकर तुसीं करतारपुर जाण दी योजना बना रहे हो, पहला रजिस्ट्रेशन कराओ। इस दे लई तुहानूं prakashpurab550.mha.government.in वैबसाइट ते जाना होवेगा। इस फॉर्म नूं भरना अते दस्तावेज नूं अपलोड करना होवेगा। तुहानूं SMS या फिर मेल दे राही इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन कीता जांदा है। यह सब तो जरूरी हुंदा है। इस दे नाल थानू करतारपुर साहब दर्शन करन दे लई एक प्रमाण पत्र मिल जांदा है।